था द लेक्चर टॉपिक इज अबाउट वट इज इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस टॉपिक में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इंसिडेंस क्या होता है और प्रिविलेंस क्या होता है बल स्टैटिस्टिक्स में तो आज को इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे के नॉलेज को इंक्रीज कर सकें we will discuss the uh बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेवरेंस एंड इंसीडेंस रेट वाई वी यूज दीज टू टर्म्स इन in biostatistics तो अगर आप देखें तो किसी चीज़ की अगर एबसेंस है तो उसकी प्रेजेंस भी है यानी कि हार्ट डिजीज लोगों को है तो कुछ लोगों को नहीं भी है अब ये चीज़ किस तरीके से डायग्नोज की जाती है किस तरीके से इसका पता किया जाता है तो एपिडमीलोजी जो है ये हमारे पास एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो कि ये इन्वेस्टिगेट करती है और स्टडी करती है कि लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में जो बीमारी है वो मौजूद है या नहीं है ठीक है यानी कि अगर यंगस्टर हैं तो उनको अगर हार्ट डिजीज़ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है ठीक है स्टडी में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इनको ये बीमारी है या नहीं है और अगर उनको है तो उसकी वजुहत क्या है तो ये एपिडियोलॉजी जो इंफॉर्मेशन होती है इसको हम लोग यूज करते हैं प्लान करने के लिए और इवालुएट करने के लिए स्ट्रेटजीज को ताकि हम लोग जो इल लोग हैं यानी कि जो बीमार लोग हैं उनको प्रिवेंट कर सके उनको गाइड कर सकें उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें ताकि अगर उनको कोई मसला है तो उसको हम लोग डायग्नोज करें और उसकी जो ट्रीटमेंट है उनको एक टाइम पर प्रॉपर टाइम पर दे दी जाए तो एपिडेमियोलॉजी से हम किसी भी चीज़ की एप्स एप्रेसेंस को पता कर सकते हैं ये ऐसी स्टडी होती है जिससे हमें पता चलता है लेकिन लोगों में इस टाइम क्या मसला है और आने वाले वक्त में ये मसला बढ़ सकता है या कम हो सकता है ठीक है अगर आप बात करें तो थैलेसीमिया क्या चीज है कि हमारी जनरेशन टू तो जनरेशन चलती है अगर हमारे फादर को है तो पीछे उनके फादर को भी होगी ठीक है यानी कि पिछली नस्लों से ये चलती है उसके अलावा डायबिटीज जो है वो भी चलती है अगर हमारे पेरेंट्स में से किसी एक को है मदर को या फादर को तो फिर आपके जो आगे से बच्चे होते हैं उनमें भी जरूर वो कन्वे होती है ठीक है और उसके अलावा जो है आ, ब्लड प्रेशर कह लें ब्लड प्रेशर कैसी भी एक ऐसी बीमारी है जो कि जनरेशन टू तो जनरेशन चलती है तो अगर करंट केसेस हम देखकर हम लोग नेक्स्ट का बता सकते हैं कि भाई जनरेशन अगर इंक्रीज होती है तो किस तरीके से ये वाला इंक्रीज हो सकता है और आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए आपको किस तरीके से इस बीमारी को रोकना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर थैलेसीमिया है तो थैलेसीमिया के मोस्टली कहा जाता है कि कजन मैरेजिज ना की जाए क्योंकि कजन मैरेजिज अगर हम लोग करते हैं तो फिर हमारा जो बेबी होता है इसके अंदर अगर uh, मतलब कह लें कि पुप्पो और मामों की अगर औलाद है और उनकी कज़न मैरिज होती है तो फिर ये कहा जाता है कि नेक्स्ट जो उनका बेबी होगा उसके अंदर फिफ्टी यानी कि एट्टी परसेंट या नाइन्टी परसेंट चांस है कि उनके बेबी के अंदर भी थैलेसीमिया जो है कन्वर्ट होता है ठीक है मोस्टली लोगों को माइनर होता है कि लोगों को आ, हाई लेवल का थैलेसीमिया होता है लेकिन अगर जनरेशन में है तो वो कन्वेस ज़रूर होता है बेशक वो वन परसेंट ही क्यों ना हो नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्टली प्रिविलेंस को तो प्रिविलेंस क्या होता है प्रिविलेंस हमारे पास वो सारे के सारे करंट केसेस हैं डायबिटीज के जो कि हमारे सामने हैं यानी कि अगर हम लोग कोरोना वायरस की बात करें तो जब कोरोना वायरस आया था तो जितने भी उसके केसेस थे उस टाइम जिस सिटी में वो सारे के सारे हमारे पास एक करंट केसेस थे जो कि हमें उस प्रेजेंट की बात बता रहे थे कि प्रेजेंट में ये था और पास्ट की भी बता रहे थे यानी कि पिछले दिन जो है यानी कि मंडे था या हमारे पास फॉर एग्जांपल आया था फरवरी के लास्ट में आया था कोरोना वायरस तो पाकिस्तान में तो फरवरी के लास्ट में जो है हमारे पास जो है इतने केसेस थे मार्च के स्टार्ट में जो है हमारे पास इतने केसेस हो गए यानी कि पास्ट और वाली और करंट वाली सिटेशन जो है वो हमें प्रिवेंस बताता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायबिटीज़ पे स्टडी कर रहे हैं और हमारी जो एक सिटी है उसके अंदर सौ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट टाइम में उस सिटी में सौ ही पेशेंट्स मौजूद हैं जिनकी हमें ट्रीटमेंट करनी है जिनको हमने इनको हमने डिफरेंट मेडिसन्स देनी है और उनको उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है डायबिटीज़ खत्म तो की नहीं जा सकती लेकिन हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर उनको कोई डायबिटीज़ है इनके हाई लेवल ना हो उनका ताकि उनको कोई भी इस तरह का अटैक वगैरह ना हो ताकि उनकी उनको डिफरेंट मेडिसन्स दी जाए उनको बताया जा जाए कि आपने ये नहीं खाना ये खाना है चावल नहीं खाने इतनी मकदार लेनी है ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में हो और आपको कोई भी मसला ना हो आप एक अच्छी और हेल्थी लाइफ जो है वो गुजार लें आप एक्सरसाइज़ करें हम डिफरेंट जो है डॉक्टर्स उनको बता सकते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारी अगर सिटी है उसमें अंदर सौ लोग हैं तो इसका मतलब यह है कि सौ केसेस हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं। हमने आगे का नहीं सोचना हमने सिर्फ प्रेजेंट में देखना है कि इस टाइम कितने केसेस मौजूद हैं ठीक है ये होता है हमारे पास प्रिवेंस जहाँ पे हम करंट केसेस की के बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास इंसिडेंस इंसिडेंस क्या है कि इंसिडेंस हमें बताता है न्यू केसेस के बारे में कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है अब अगर हम कोरोना वायरस देखें तो हम लोग एहतियाती तदाबीर कर रहे थे और हम हमारे जो है न्यूज़ में हमारे गवर्नमेंट की तरफ से या डिफरेंट अजलास होते थे वहाँ पर बताया जाता था कि आने वाले दिनों में इतने परसेंट चांस है कि ये वाला काम ये करोना वायरस जो है वही इस हद तक जो है वो आगे जाएगा तो वो एक इंसिडेंस रेट बताते थे वह इंसिडेंस के थ्रू बताते थे कि अगर इस टाइम करंट केसेस ये हैं लेकिन इस चीज़ की आने वाली जो टाइम है उसमें न्यू केसेस जो हैं वो इतने हो सकते हैं अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि इस टाइम इंसिडेंस रेट में पाँच केसेज जो हैं वो हर साल आएंगे ठीक है अगर थैलेसीमिया था ठीक है थैलेसीमिया देख लें कि थैलेसीमिया में जी कजन मैरिजेज भी हो रही होती हैं लोग बहुत ज़्यादा इसके इतना सीरियस नहीं लेते लेकिन जब उनको प्रॉब्लम होती है तब वो उसको सीरियस लेते हैं कुछ लोग ले लेते हैं लेकिन मेजोरिटी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती है कहती है कि जी कुछ नहीं होता तो उससे क्या होता है कि एक केस अगर हम लोग देखें तो फाइव परसेंट हम लोग कह रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में 5% केसेस uh, जो है थैलेसीमिया के वो uh, अगले साल तक ठीक है यानी इस साल आन हो सकता है रजिस्टर्ड हो मतलब हम श्योरिटी नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं तो इंसिडेंस रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है वो कहेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर में 10 केसेस हो सकते हैं उसके कारण कि क्योंकि जनरेशन जब आगे बढ़ेगी तो उससे और ज्यादा मसला होगा फिर उससे अगले साल में जो है वो पंद्रह केसेस हो सकते हैं ठीक है तो इंसिडेंस रेट जो है वो पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज होता है ठीक अगर हम देखें डायबिटीज़ है तो, डायबिटीज में क्या है कि अगर वो ऐसी बीमारी है कि इंसिडेंस के न्यू केसेस जो भी रजिस्टर्ड होंगे वो न्यू केसेस के बारे में बता रहा होता है जो आने वाले होते हैं ठीक है प्रिवरेंस रेट जो है वो हमें बता रहा होता है जितने भी हमारे पास करंट केसेस मौजूद होते हैं हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं और जब हम इंसिडेंस रेट की बात करें तो हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं कि आने वाले दिनों में ये वाला मसला जो, तो जो है वो इतने परसेंट ज़्यादा हो सकता है ठीक तो जिससे होप्स होकर आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रेवलेंस जो है वो करंट केसेज की बात करता है और इंसिडेंस में हम लोग फ्यूचर केसेज की बात करते हैं होप्स हो कि आपको ये दोनों टर्म जो हैं वो आज क्लियर हुई होंगी आज के लेक्चर में मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ एक नई वीडियो के साथ देखते रहिए मेरे चैनल को और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सबकी सपोर्ट की बेहतर जरूरत है थैंक यू सो मच